माँ। हाँ बेटा। मारा कॉलेज में ना मैं सब तो सुंदर हूँ। सुंदर तो है बेटा तू। सब मेरी तारीफ करे है। वो तो करनी ही है, बता कितनी सोनी है। माँ तू भी नहीं रहा करना है, देख आज मैं बना उतरी आज टाइम। ए बेटा कित चढ़ाओगी तुम नहीं है, वो तो तू है बनी रही ठीक है ना। माँ तो बोले ना बार बार मैं सर ला दिया, मैंने इतनी बढ़िया हेयर स्टाइल सेट करी थी। ओहो चल कर दे जो तने करना है, तू भी मानने को नहीं। देख माँ बस एक सेकंड रुक जा, बस हो गया। ठीक है कर दे। बस माँ हो गया, इन बाला में तुम्हें रखा करा दन घुमा के। ओहो ये कित मने तो चांद पर बैठा होगी बेटा है। माँ हम चल तन बार में घुमा के आऊंगे, सब तेरे काम ही देखेंगे। बेटा देख तन्ने जितने का चाल रहे तू चाल, मैं तेरे गैर हूं। बेटी किसका फोन था? माय फ्रेंड का फोन था। बेटी देख मनबेरा है, तू बड़ी होगी और तन्ने अच्छे बुरा की सारी समझ है, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, मेरा समझान का फर्ज है। हाँ माँ बोल। बेटी देख मन तेरे पे आँख मूंद कर विश्वास कराया है, लेकिन कदे है ना ऐसा काम ना करिए जिस तरह मन रोना पड़े तेरे खातर। ना माँ मैं उन छोरिया माँ तक नहीं जो अपनी दी हुई आज़ादी का गलत फायदा उठावे। बेटी देख इस बात का तो मन बेरा है, लेकिन जो समाज में होने लाग रहा है ना उसने देख कर मन घबराहट हुआ है। माँ तेरी बेटी तेरी पहचान है, तू बेफिक्र होकर है, पर माँ एक दिन तो तने रोना ही पड़ेगा। न्यू के बोल रहे बेटी? माँ जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन तो तने रोना ही पड़ेगा। ओहो तू भी बहुत बड़ी बड़ी बात करने लग गई है। हाँ बेटी उस दिन तो मैं सच में बहुत घनी रोऊंगी। माँ। हाँ बेटा। हम बाहर घूमने बाद में जाओगे, एक बार मेरा फोन आवा है मैं बात करके आऊँ। चल ठीक है तू बात कर ले। अरे यार तेरे तो कितने बार समझा रखा है, एक बार फोन काट दो तो दोबारा फोन ना करा कर, माँ हो गए यार दो रहे। मैंने बेरा था तेरे तो ये बहने भाव है, माँ हो गए दो रहे, किसी टाइम भी फोन कर ले, मेरा दिमाग खराब रखे तू 24 घंटे आजकल। अरे यार दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात करी है बता। रहने दे दर्दे फोन ने, मेरा पहले ही माथा खराब हो रहा है। अरे सुन तो, हेलो हाँ बेटा मैं भी कई दिन तो सोचू हूँ घूम आऊ, चल मैं भी तेरे साथ चल लूंगी। मैं तो मेरे दोस्त तेरे मिलन जाऊं माँ, तू क्या करेगी जित भी जाऊंगे अलग अलग ले है। बेटा तेरी ऐसी कौन सी दोस्त है जो मेरे शाम ही ना मिल सकती। माँ की दिक्कत से तेरे जड़े भी मैं जाऊँ मेरे गल गल हो ले है। बेटी मैं कितन रुकू हूँ है, मैं भी तेरे साथ चल हूँ घूमन, कई दिन हो गए। एक साइड तो तुम्हें कहा मन तेरे पर बहुत घना विश्वास है, जित भी मैं जाऊँ मेरे गल गल पीछा करती आ ले है। बेटी मन ना कर पीछा कर लिया तेरा, तेरे पर विश्वास है जब भी तेरा साथ दे हूँ। टाइम आन दे माँ, आपे मेरा पड़ जाएगा कौन किसका साथ दे है। ठीक से बेटी। रह गया था तू, कितनी देर के बाद देखने लग रही हूँ। मैंने और भी बहुत घने काम रहे हैं और तेरे अलावा मेरी जिंदगी में और भी लोग हैं जिनते टाइम देना जरूरी हो है। हाँ बेरा है, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती तू है। अच्छा नू बता क्यों बुलाया था मैं? आपने बोला था ना अपने घर ना बात कर ले, मैं तो कर लूंगी, आप कब करोगे? मैं तो कर लूंगा बात, पहले तू अपना घर ना बात कर ले,
तेरी मम्मी मान जाओ ने उस टाइम मेरे तो बता दिए। एक मिनट रुक। बात करना आ गई तू। हेलो बेटू यार, चल ठीक है मैं बाद में बात करूँ। किसका फोन था, किसने आई लव यू बोला था, कौन थी या? या बात मन तेरे 10 बार समझा रखी है, ये फालतू के सवाल जवाब है ना मेरे तो ना करे अगर जिन तब मन चिढ़ हो। मन ने बकवास किस टाइम कर दी यार, मैं सिर्फ नहीं तो पूछे थे किस तो बात करे था। ना पूछा कर, और लव यू सिर्फ छोरियाँ ना बोला जाता, दोस्तों ने भी बोल सका है और मेरे बहुत घने दोस्त हैं। या बात आप प्यार तभी बोल सको थे, मैं आप तो अपनी हर बात शेयर करूँ, थोड़ी बहुत आप भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा। सुने अगर मैंने गलत करना होगा ना तो मैं करूँगा, तेरे रोके था ना रुकू मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। यार इतनी बड़ी बात ही कौन थी जितना आप मेरे तो सुनान लाग रहे हो। यार क्यों फालतू में बहस करना लग रही है, तो लड़ाई करने खातर बुलाया था कि मैं? जो बात मन बुरी लागेगी उनका जवाब तो आप दे ही सको। देख आखिरी बार समझाऊँ तेने, ये फालतू सवाल जवाब है ना मेरे तो ना करे अगर, अरे जा अपने घर न बोले। सुकून बने सजा बने दर्द बेवजह बने, जिंदगी बनाई थी मौत की वजह बने। सुकून बने सजा बने दर्द बेवजह बने, जिंदगी बनाई थी मौत की वजह बने। कई देर हो गया, ये कौन है बता, सवेर की भूख ही जा रही है वहाँ। कई बार उसने बाहर खाया है कि मैं नहीं खाया। आ गई बेटा, देखती कौन तन है। बेटा क्या बात होगी, नु किस तरह बोले हैं? अच्छा ठीक से हाथ मुँह धो ले और रोटी खा ले। मन ने भूख को नहीं, अरे तन्ने भूख से ना तो तू खा ले, मेरा जी कौन ना। के बात होगी बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? कुछ नहीं बेटा, रोटी खा ले, देख तेरे बगैर मैं भी ना खाऊं। जिद कह दी ना भूख को नहीं, मैंने दिमाग खराब ना कर, तन खाने से तो खा ले। बेटा इसी के बात होगी, बात तो बता दे मेरे से। जिद कह दी ना बात की मैं कौन, मेरे फ्रेंड से बात हुई थी उससे झगड़ा हो गया मेरा। देख बेटा बाहर वाला का गुस्सा तू अपना माँ बता रहेगी है, बाजार की बात न भूल जा और चाल रोटी खा ले, मन्ने भी ना खाई सवेर तक। मन्ने की तेरा हाथ पकड़ रखा है, भूख लाग रही थी तो खा लेंदी। हेलो सर, आपको पहले बताना चाहिए था ना, इतनी जल्दी मैं कहाँ से करूँगी, थोड़ा तो टाइम दो प्लीज सर। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी। ओके सर। के बात होगी बेटा? माँ कॉलेज से फोन था। हाँ 6 महीने की फीस इकट्ठी जमा करवानी है। 6 महीने की फीस एकदम तय? बेटा 1 महीना की फीस को नहीं, 6 महीने की फीस एकदम तक किस तरह जमा करांगे? माँ 50,000 रुपये जमा करवाने हैं, ना तो मैंने कॉलेज तक काट देंगे। 50,000? मातन तो मेरे पर यकीन सही को नहीं, इबरा के साथ जा राकेश तो पूछ ली, तेरा आगे तो फोन आया था, और मैं के झूठ बोलूंगी माँ? बेटा मैं कद ना टू हूँ, मन तेरे पर विश्वास को नहीं, लेकिन 6-6 महीना की इकट्ठी फीस कितने लेकर आवांगे? राकेश आओ है माँ, राकेश तो पूछ लियो मेरे गला जाएगा। ठीक है बेटा, तेरी फीस खातर मैंने किमें पीसे जोड़े थे ठीक है, और वे दे दूँ जागन जमा करवा दिए।
ले बेटा कड़वा कर दे दिए। ठीक सा यार, गलत करया तने आंटी भी तने पीछे लेके ने। अरे इतना महंगा फोन लिया ही तू, फोन तो तेरे पता ही नहीं के करेगी इसका। अरे आंटी ने बेरा लग गया तो बास देगी तने। फोन बतावेगा, अगर मेरा पार्ट भी गया तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। के करेगी इस फोन का? यो फोन यार मैं मुकेश खातिर ले आई हूँ, मुकेश ने दूंगी। यार मुकेश खुद भी तो ले उसका है फोन, जन्मदिन है कि उसका आज? ना यार मैं अपनी खुशी तो दे उसने, और जरूरी थोड़ी है जन्मदिन हो जब गिफ्ट करे। यार फोन पे इतने पीछे क्यों लगा दिए फिर तने? फोन तो उसका दूर पावेगा और लगभग सारा पे रहो है फोन। तू को नहीं समझा तो बाला कह देख वो आ गया। हेलो हेलो मुकेश। अरे क्या बात है, तो राकेश भी आ रहा है? क्यों आ को नहीं सकता की? चलिए सारी बातें छोड़ो, देख मैं आपके लिए क्या लेके आई। अरे फोन यार, फोन तो मेरा पहले तो ही था। यार तू कदम मेरी फीलिंग ना समझ सकता, तो हमेशा नहीं करा है। चल ठीक है यार, थैंक यू। थैंक यू तो काम को नहीं चल रहा है, मन्ने भी मेरा गिफ्ट चाहिए। बता फिर क्या चाहिए तने? एक डेयरी मिल्क चॉकलेट और गोलगप्पे खाने हैं, वो भी तेरे साथ। तू पागल है के? अपना सारा काम धंधा छोड़ के ये मैं तेरे के लिए गोलगप्पे खाने जाऊंगा? दिमाग तो ठीक है तेरा? यार थोड़ी देरी तो लग गई, चल पड़ना मेरी गल मेरी खुशी खातर। तना छिदाम बेरा यार, इतना टाइम थोड़ी ना मेरे धुर है, और फिर भी अगर तुम ज्यादा ही दिक्कत हो रहे तो ले पकड़ के रहा फोन, मन्ना कौन सी ये फोन फैन। यार थोड़ी सी तो कदर कर मेरी फीलिंग की, एक बात तो मान ले। अगर तुम इतनी दिक्कत होने मांग रही है ना तो एक काम कर, मेरे पर पी ले लो और तुम दोनों जाके खाए हो। यार चाल पड़े नहीं, इतनी रिक्वेस्ट करने लग रही है, बात करते करते घूम भी आवांगी। ये हमारा दोनों का मैटर है, इसमें तुम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चुप चाला खड़े रहे, जाऊँ मैं। एक बात बताऊं जोया? हाँ बोल। जिसके के लिए तू घर क्या गिर पिए खराब करने लग रही है, वो तेरे तदमा भी प्यार कौन करता? यार इशाना मुकेश आजकल वो भी जी रहा जाता है ऐसा कर रहा है। जोया सब की मित्र आख्या का सहम ही होने लग रहा है, और फिर भी तू इसी बात कर रहा है। राकेश तू चुप रहा है, मेरे पहले ही बहुत दिमाग खराब हो रहा और ना करे। बेटा नू क्यों करा है, के बात क्यों रो है? माँ मन तेरे तो जरूरी बात करनी है। के बात होगी बेटा? माँ मैं एक छोरा तो प्यार करूँ हूँ और मैं उस तो ब्याह करना चाहूँ। के बोलने लाग रही तू यो है? अच्छा तो यो वो है छोरा है जिस तो तू मिलन जाया करती? हाँ माँ हम एक दूसरा तो बहुत घना प्यार करा हाँ, और यह बात आज मैंने तेरे तो खुद दे बता दी। बेटा तू मेरी जिम्मेदारी है और मैं नूए किसी का हाथ में तेरा हाथ नहीं दे सकती, ठीक? क्या मतलब है माँ? कि सारी उम्र में तेरे साथ चल लूंगी के मन्ने भी बेरा अच्छे भले का बाड़क ना रह रही मैं। अच्छा उस दिन तू रोन दी आई थी, सच्ची बताइए उससे की वजह तो रो थी न? और एक बात बता, जो शादी से पहला तने इतना रुआन लग रहा है, शादी के बाद में कितना रुआ होगा? दिमाग तक काम ले ले छोरी, तेरे में बालक बुद्धि है। माँ तने भी नहीं मिली उस तंजाज लगा लिया, उसने मैं जानू तू कौन जानती, और मैं ब्याह करूँगी तो उससे ही करूँगी चाहे मन बात करना पड़ो। भाज का ब्याह करेगी? मारी इज्जत माटी में मिलाओगी कि तू? मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और थारी इज्जत पड़ी रहेगी, बाढ़ में जाओ इस इज्जत की इज्जत। इज्जत तक पहुँच गई तू? छोटी बालक कौन नहीं मैं, मेरे ऊपर बार बार हाथ उठा दे तू, मेरे भी कुछ लाइफ है मेरे भी सपने हैं, तेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कौन करूँ मैं? तू क्या चाहवे है, मैं पूरी उम्र तेरे धोरे बैठी रहूँ, मैं कौन रह सकती? अच्छा चल ठीक है तू कौन मानने, एक बात बता अगर वो इतना अच्छा होता तो अपना घर ना आता तेरा हाथ मांगने खातर? इब्बे मैंने उस तक कुछ ना बताया है, सरप्राइज उसकी खातर और मेरी लाइफ में सबसे बड़का वो है। चल ठीक है बेटा, तन मेरी तो माननी को नहीं अपनी चलानी है, उसने बुला ले और घर ना बैठ के बात कर दे। ठीक है माँ उसने मैं ही बुला ली हूँ। हेलो मुकेश मंदिर तमिलना है,
चल ठीक है, पारंग है ना, मैं पारंग में भी आऊँ। ठीक है माँ, उसने मैं ले आऊँ। ठीक है बेटा। के बाद जया, आज तो कुछ खुश हो रही है यार। मेरे लिए आज ना मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है यार। आज मैंने घर ने बात कर ली और मम्मी तने घर ने बुला मिलन खातर। हो गया ये बकवास करे तू यार। तने एक बार पूछनी तो चाहिए थी मेरे ते, या पूछना भी जरूरी कौन समझा यार। आप भी तो चाहो थे कि मैं घर ने बात कर लूं। सुन, ये है ना फालतू के लफड़े हैं, और मैंने इन फालतू के लफड़े हमको नहीं पढ़ना, समझ गई यार। किसी बात करने लग गया मुझे, तू तो मेरे तो प्यार तो करे ना। करू नहीं कराया करदा, और ये रिश्ते है ना थोड़े दिन खातर अच्छे हुए हैं, लाइफ टाइम खातर नहीं। और वैसे भी ये सब चीज़ें हैं ना मेरे समझ तो बाहर होती साहिब, और कोनी बर्दाश्त होती मेरे पर। तू यार नू ना करे मुकेश, मन तेरी खातर अपनी मम्मी तो लड़ाई कर ली यार। मुकेश देखी सब कि ठीक चलन लग रहा है, तू पान से ना हट है आज छुड़ वाले। बात साफ साफ सही है, आज के बाद ना तो मेरे तरफ फोन करिए ना मैसेज करिए, और मिलन के तो सोचिए भी ना। आई बात समझ में? आई हो रहा प्यार करने वाली यार मुकेश, बात तो चुप हो जाइए।